हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल टेक्निकल गौरव। दोस्तों दिस इज़ गौरव। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फिनिक्स नोट 11s के बारे में, यानी कि आज मैं आपको इस फ़ोन का पूरा कंप्लीट डीप में रिव्यू करके बताऊंगा कि आपको इस फ़ोन में अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या इस फ़ोन में आपको कमियाँ भी मिल जाती हैं, एंड साथ में इस फ़ोन का क्या प्राइस है, एंड अगर आप इस फ़ोन को परचेज़ करने की सोच रहे हो तो क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं, क्या इसको ख़रीदना वर्थ है या फिर नहीं, या फिर आप कन्फ्यूज़न में हो कि आपको ये फ़ोन परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा, सारा कुछ जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज ये जो वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है और या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ आगे भी और मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 11s के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको 6.59 इंचेस की LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो फुल HD प्लस है, एंड साथ ही में इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। फ्रंट में इस फ़ोन में आपको जो है गोरिल्ला ग्लास मिलता है, एंड साथ ही में इसकी जो बैक एंड इसका जो फ्रेम है उसमें आपको प्लास्टिक बिल्ट मिलता है। इस फ़ोन में आपको जो है MediaTek Helio G96 का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है, एंड साथ में इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन 11 देखने को मिलता है जो एक्सोस पर काम करता है। साथ ही में दोस्तों इस फ़ोन में आपको बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें आपका मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का, एंड फ्रंट में आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी मिलता है। दोस्तों इस फ़ोन में आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलता है जिसमें आपका पहला वेरिएंट 6GB रैम विद 64GB स्टोरेज वाला है, एंड सेकेंड इसमें आपको जो 8GB रैम विद 128GB स्टोरेज देखने को मिलती है। इस फ़ोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है जिसमें आपको 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। दोस्तों ये जो फ़ोन है वो आपको दो कलर्स में मिलता है जिसमें आपका पहला कलर जो है वो आपको हेस ग्रीन मिलता है, एंड सेकेंड इसमें आपको मिथ्रिल ग्रे मिलता है। दोस्तों इस फ़ोन में आपको 3.5mm के ऑडियो जैक भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थे इस फ़ोन के कुछ स्पेसिफिकेशन, और हम बात करते हैं इस फ़ोन के डीप में रिव्यू की। सबसे पहले हम बात करते हैं इस फ़ोन की डीप में डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 11s में आपको 6.59 इंचेस की फुल HD प्लस LCD पैनल देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि इन्फिनिक्स ने आपको यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी वाला LCD पैनल प्रोवाइड किया है, यानी कि अगर आपको मतलब जब भी आप इसमें कोई मूवीज़ देखोगे या आप गेम्स खेलोगे तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही में इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, यानी कि जब आप अपने सोशल मीडिया ऐप्स को इस पर स्क्रॉल करोगे या देखोगे तो वहाँ पर भी आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मूथनेस मिलेगी। बट अगर आपको फिर भी एक AMOLED पैनल वाला ही स्मार्टफोन चाहिए अंडर 15K, तो आप Motorola G31 के साथ में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको AMOLED पैनल मिल जाता है। बट दोस्तों मैं आपको बताऊं कि Infinix ने यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले की क्वालिटी प्रोवाइड की है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओवरऑल देखा जाए तो Infinix नोट 11s में आपको एक अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल जाती है, इसमें आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी और ना ही कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एंड साथ ही में दोस्तों इस फ़ोन में आपको Wide 1L1 का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आप अपने मतलब जैसे कि OTT एप्स हो गए, जैसे कि Netflix, Amazon Prime हो गए, आप उन पर भी फुल HD में कंटेंट को स्ट्रीम कर पाओगे, फुल HD में कंटेंट को देख पाओगे, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इस फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों वैसे तो हमने बहुत सारे फ़ोन देखे हैं जिनमें आपको MediaTek Helio G96 का प्रोसेसर मिलता है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, एंड वैसे भी दोस्तों MediaTek Helio G96 एक गेमिंग प्रोसेसर है। अगर आप एक गेमर हो और अगर आप अंडर 15K का एक गेमिंग स्मार्टफोन देख रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा चॉइस रहेगा, यानी कि Infinix Note 11s गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड इसमें आपको डे टू डे लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट दोस्तों इस फ़ोन में आपको कस्टम UI मिलता है जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैं यहाँ पर स्टॉक UI प्रेफर करता हूँ अदर देन एनी UI। बट दोस्तों अगर आप कस्टम UI के साथ ओके हो तो आप इसके एग्जॉस्ट के से खुश हो जाएंगे, बिकॉज इसके UI में आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये जो फ़ोन है वो आपको एग्जॉस्ट 10 पर काम करता है जो एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों इस फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसमें आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड गेमिंग में तो ये फ़ोन बेस्ट है ही, एंड डे टू डे लाइफ में भी ये काफ़ी ज़्यादा
अच्छा है। दोस्तों फोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो दोस्तों ये जो पॉइंट है वहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। बिकॉज दोस्तों अगर हम इस फोन के कैमरास को देखें तो इस फोन में आपको एवरेज कैमरा देखते मिलते हैं, वीक कैमरा मिलते हैं। वैल दोस्तों इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें आपका मेन जो प्राइमरी कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का है, एंड सेकंड इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, एंड थर्ड इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है, एंड फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। अगर हम बात करें दोस्तों इस फोन के प्राइमरी कैमरा की, तो ये जो प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का वो अच्छी फोटोज लेता है, ठीक ठाक ले लेता है, लेकिन इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं है, यानी कि ये फोटोज़ के मामले में एवरेज ही है ये फ़ोन, एंड सेम आपको सेल्फी कैमरा में भी देखने को मिलता है। एंड बाकी के जो 2-2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा दिए जा रहे हैं, वो यहाँ पर बस आपको शो केस के लिए दिए जा रहे हैं, मार्केटिंग के लिए दिए जा रहे हैं, आप उनको इग्नोर करते हैं, इनका यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस फ़ोन में आपको जो कैमराज मिल रहे हैं वो एवरेज मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिल रहे हैं। एंड बिकॉज ये फ़ोन एक गेमिंग फ़ोन है, यानी कि गेमिंग के मतलब से बनाया है, तो ये इसमें आपको लाजमी है कि इसमें आपको जो कैमरास मिलने वाले वो एवरेज ही मिलेंगे। फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो फ़ोन है वो गेमिंग के मतलब के लिए है। अगर आप एक गेमिंग फ़ोन को देख रहे हो जहाँ पर आपको कैमरा से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता, कैमरा का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो ये फ़ोन आपके लिए अच्छा रहेगा। बट अगर आप कैमरा फ़ोन देख रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आप इससे निराश हो जाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इस फोन की ऑडियो क्वालिटी के बारे में। दोस्तों इस फोन में आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन का फीचर नहीं मिलता है, एंड इसमें आपको 3.5 mm के ऑडियो जैक मिल जाते हैं। वेल दोस्तों इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पर अगर आपको सिंगल स्पीकर्स मिलते बट साथ में इसमें आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस फ़ोन की जो ऑडियो क्वालिटी है वो डिसेंट है, मतलब बेस्ट तो नहीं है, बिकॉज इसमें आपको सेकेंड नॉइस कैंसिलेशन का फीचर नहीं मिल रहा। जिस तरीके से आपको इन्फिनिक्स के और स्मार्टफोन्स में सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन का फीचर नहीं मिलता, वैसे ही आपको इस फ़ोन में भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों इस फ़ोन की बैटरी लाइफ के बारे में, तो इसमें आपको एक अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 5000 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 33 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, यानी कि ये जो फ़ोन है आपको 1.5 दिन तक आराम से चल जाएगा। बट अगर आप एक हैवी ड्राइवर हो, हैवी यूज़र हो, तो ये जो फ़ोन है आपका मतलब दिन में आपको 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। बट अगर आप नॉर्मल यूज़र हो, बस आप डेली यूज़ के लिए इसे यूज़ करते हो, तो ये जो फ़ोन है आपका 1 दिन से ज़्यादा आराम से चल जाएगा, आपको इसकी बैटरी से कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी। ओवरऑल इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये था और इस फ़ोन का कुछ रिव्यू। अब हम देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या अच्छी चीज़ें मिलती हैं, क्या इसमें आपको कमियाँ देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इस फ़ोन की अच्छी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको 120 Hz की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, यानी कि आपको इसमें स्मूथनेस जो होने वाली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। सेकंड दोस्तों इसमें आपको गुड बैटरी लाइफ मिल जाती है। थर्ड दोस्तों इसमें आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है वो भी अच्छी मिल जाती है। फोर्थ दोस्तों इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, एंड फिफ्थ दोस्तों इस फोन में आपको एक फास्ट रैम एंड रोम मिल जाती है। एंड दोस्तों इस फोन में आपको 33 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, एंड साथ ही में इसमें आपको पावरफुल, एंड लास्ट दोस्तों इस फोन में अच्छी चीज ये मिलती है कि इसमें आपको पावरफुल मीडियाटेक हीलियो G96 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो गेमिंग के लिए काफी बेस्ट है, एंड डे टू डे लाइफ के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस फ़ोन की कमियों के बारे में। दोस्तों सबसे पहली कमी, इस फ़ोन में आपको जो है कैमरा सेटअप मिलते हैं वो डिसेंट मिलते हैं, एवरेज मिलते हैं। सेकंड दोस्तों इसमें आपको वीक वीडियो रिकॉर्डिंग शूट करने का मौका मिलता है, फोन में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलता, एंड फोर्थ दोस्तों इसमें आपको कैरियर एग्रीगेशन भी नहीं मिलता। लास्ट दोस्तों इस फोन की कमी ये है कि इसमें आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलता, यानी कि इसमें आपको कॉलिंग के टाइम में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, यानी कि इतनी ज़्यादा अच्छी कॉलिंग जो फीचर अच्छा नहीं होगा। तो ये थे इस फ़ोन की कुछ अच्छी चीज़ें, इसकी कुछ कमियाँ। अब हम देख लेते हैं कि इसमें आप मतलब आपको ये फ़ोन परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों देखा जाए तो अंडर 15,000 rupees आपको इसमें एक पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी वाली डिस्प्ले मिल जाती है, एंड ठीक ठाक कैमरास भी मिल जाते हैं। अगर दोस्तों अगर आप एक गेमर हो और आप गेमिंग के पर्पस से 15,000 rupees की रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन देखना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो ये लिए तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। इन्फिनिक्स नोट 11s आपके लिए एक अच्छी चॉइस होगी। बट अगर आपको एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन आपके लिए अच्छा नहीं है। बट देखा जाए तो ये जो फ़ोन है वो वर्थ है बाइंग, यानी कि इसमें आपको जो बाइंग करना चाहते हो, जो ख़रीदना चाहते हो इस फ़ोन को, वो वैल्यू फॉर मनी है, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों यही था आज इस फ़ोन का ऑनेस्ट रिव्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।